हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉर्ट एंड जोन में। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, यानी कि न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका ओपन रहेगा, यानी कि 1 जुलाई से आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपको 3 जोन्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं इसमें न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में, जिसमें ये वैकेंसी निकली है, कलपक्कम, तारापुर और मुंबई। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है उसकी बात करेंगे, वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी नॉन गैजेटेड, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और DSSB के इक्विवेलेंट, 2400 ग्रेड पे जो पुराने 6 CPC में होता था। तो 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको 4th लेवल सेल नंबर 1 25,500 बेसिक के साथ ये पोस्ट है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, सिर्फ आपको 10th पास होना आपके लिए इनफ है। इसके साथ साथ आपको 50% मार्क्स उसमें आना ज़रूरी है, यानी कि आपको 10th में 50% मार्क्स से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, एज़ यूजुअल जैसा हर एग्ज़ाम्स में मांगा जाता है स्टेनोग्राफी के। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है, हिंदी के लिए नहीं है। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि आपको दोनों शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड दोनों की स्पीड अलग अलग आपको होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसकी मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको DOPT रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी, यानी कि OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 32 ईयर्स। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसके 2 लेवल हैं, नंबर 1 जिसमें आपका 1 आवर्स का आपका क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाइड होंगे, यानी जो मिनिमम स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है 50% UR और 40% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो आपका इंग्लिश में होगा और टाइपिंग टेस्ट भी होगी, ठीक है। और जो आपका मेरिट है, यानी कि एम्पैनलमेंट जो है आपका, वो इन दोनों के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ जैसा कि फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, जो आपका मेजर ड्यूटी होता है स्टेनोग्राफर का, और ऑफिसर्स जो भी आपको काम दे वो डिक्टेशंस जो भी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर या ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी, ये भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है जिसमें 11 वैकेंसीज हैं, 4 UR, EWS 1, OBC 2, SC 2 और ST 2। क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th पास, इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट दोनों का। इसके साथ साथ मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं अगर व्हीकल्स में तो आपके पास उसे ठीक करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसके सक्षम होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 3 साल का लाइट मोटर व्हीकल्स का, और 6 साल कम से कम हैवी मोटर व्हीकल्स का, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट इसमें भी 27 साल अपर रखी गई है, 18 मिनिमम। पे लेवल की बात करें तो 19,900 लेवल 2 अच्छी पे लेवल है इनिशियल स्टेज में। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी 2 लेवल हैं, और पहला जो लेवल है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो 50% UR के लिए है और 40% अदर कैटेगरी के लिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जो एम्पैनलमेंट है वो आपका दोनों कंबाइंड के बेसिस पे होगा, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे लेवल 1 के रिटन टेस्ट को, उन्हीं को लेवल 2 के लिए बुलाया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको पता ही है, नॉर्मली गाड़ी चलाना ही होता है इसमें, ठीक है। जो भी आपका ऑफिसर है या जो भी काम है आपको दिया जाए टाइम टू टाइम, वर्क ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, वर्क असिस्टेंट ए, या आप कह सकते हैं MTS ग्रेड। तो ये 72 पोस्ट है इसकी, UR की 20, EWS की 3, OBC की 15, SC की 15, 12 ST एंड PWBD 7, ठीक है। एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27, और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th पास रखा गया है, ना कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके अलावा और ना कोई एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। पे लेवल आपका 18,000 है, इसमें 2 टेस्ट होंगे आपके, पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस 20 मार्क्स के, और एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा 10 मार्क्स का।
इसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाइंग बेसिस पे जो 40% UR के लिए है और 30% बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, उसके बाद जो भी कमीशन कट ऑफ डिसाइड करे उसके बाद आपको एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो अगेन 50 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 15, 15 साइंस, जनरल अवेयरनेस 10 एंड 10 इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट है वो लेवल 2 के बेसिस पे ही बनाई जाएगी, यानी आपका सिलेक्शन जो है लेवल 2 के बाद ही किया जाएगा। ठीक है गाइज़। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।